Hi all, this is Anjali. Welcome back to my channel and this is day 22 in our 30-day pledge to revise the complete syllabus for Informatics Practices Class 12th for the CBSE Board Exam 2021. So, hum isse pehle kafi kuch kar chuke hain. Now, we are working on data frames and aaj ka jo topic hai, that is, how can you delete a row or column from an existing data frame? Kal humne kiya tha ki hum kaise ek naya row or column insert kar sakte hain. आज करेंगे कि कैसे डिलीट कर सकते हैं. बिफोर वी गो टू दैट डिलीशन, आई वुड लाइक टू शेयर सम थिंग्स विद यू. लाइक यू नो दैट आई एम अ प्लस एजुकेटर ऑन अन अकेडमी एंड आई टेक अ नंबर ऑफ फ्री क्लासेस, बहुत सारी स्पेशल फ्री क्लासेस लेती हूँ. आप मेरी लाइव क्लास अटेंड कर सकते हो एवरी डे, मंडे टू फ्राइडे 2 to 3 PM फॉर IP एंड फ्रॉम 10 to 11 PM फॉर कंप्यूटर साइंस. So this is the timing for my free classes. So 2 to 3 PM Monday to Friday, 10 to 11 for computer science, right? Lekin wahan par usse bhi zyada properly structured courses hote hain. I have proper plus batches jinka course detail aapko pehle se hi mil jata hai. You know ki kab uski class hogi. Uske ilawa, mere subject ke ilawa aur bhi bahut sare subjects hain. So agar aap plus subscription lete ho to aap same fees mein, सेम फीस के अंदर, जो आपकी शायद 2700 आपको पर मंथ पड़ती है, और अगर आप 3 months का लेते हो तो इससे भी कहीं कम पड़ती है. एंड इसके ऊपर अगर आप मेरा नाम यूज करोगे अंजलि लूथरा, आपको उसके ऊपर 10% डिस्काउंट भी मिलेगा, तो और कम हो जाती है, राइट? सो ये आपको इतनी फीस में, नॉमिनल अमाउंट के लिए, यू गेट ऑल दीज बेनिफिट्स, नॉट ओनली फॉर वन सब्जेक्ट बट फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स. आप सिर्फ IP या CS नहीं पढ़ोगे, आप वहां पर सारे सब्जेक्ट्स पढ़ सकते हो फ्रॉम द बेस्ट एजुकेटर्स ऑफ इंडिया. यू कैन आस्क डाउट्स, यू हैव MCQ टेस्ट सीरीज, यू हैव सब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज, और उसके अलावा अपनी प्रॉपर क्लासेस तो होती ही है, ठीक है? सो जब भी आपका मूड बने प्लस सब्सक्रिप्शन लेने का, रिमेंबर माई नेम एज अ कोड अंजलि लूथरा विदाउट एनी स्पेस, यू विल गेट 10% डिस्काउंट ऑन दैट, राइट? बाकी फ्री क्लासेस तो है ही जो आप अटेंड कर सकते हो, ओके? एंड लाइक मेरी फ्री क्लासेस होती है, ऐसे दूसरे एजुकेटर्स भी बहुत सारी फ्री क्लासेस लेते हैं. तो आप अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे आओ, जब आप कोई फ्री रिसोर्स ओपन करना चाहोगे वो पहली बार आपसे कुछ कोड पूछेगा एंड दैट इज माई नेम अंजलि लूथरा. आप कोड एंटर कर सकते हो एंड यू विल बी एबल टू एक्सेस लाइव क्लासेस ऑफ एनी एजुकेटर ऑन अनअकैडमी एंड ऑल आर टॉप एजुकेटर्स ऑफ इंडिया, राइट? सो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन भी है आपके पास. अगर आपको बहुत ज्यादा पर्सनल अटेंशन चाहिए, यू वॉन्ट योर पेरेंट्स टू बी इन्फॉर्म्ड अबाउट योर परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स वीकली एंड ऑल, सो यू कैन गो फॉर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन एज वेल, राइट? ये तो मेरे प्लस क्लासेस हैं. बाकी जैसे कि मैंने आपको बताया, आईपी की क्लास मंडे टू फ्राइडे 2 to 3 PM एवरी डे आई हैव. कंप्यूटर साइंस मंडे टू फ्राइडे 10 to 11 PM एवरी डे आई हैव, ठीक है? सो ये क्लासेस तो आपको मिलेंगी ही मिलेंगी. दीज आर फ्री, यू डोंट हैव टू पे एनी सब्सक्रिप्शन फॉर दिस. आओ ज्वाइन करो, देखो और अपने पेपर्स के लिए अच्छे से प्रिपेयर करो. 3 महीने रह गए हैं. मैं यहाँ पे एक सैम्पल पेपर हमेशा टेलीग्राम ग्रुप में देती हूँ. नीचे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, सो वहां से आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो. एवरी संडे आई गिव 1 question paper देयर, और आने वाले हफ्ते में हम उस पेपर को सॉल्व करते हैं प्लस हम रिविजन करते हैं. सो 5 दिन क्लास है आपकी, 5 दिन में से आपका क्या होगा, 3 days लग जाते हैं पेपर सॉल्व करने में, और बाकी के 2 दिन वी पिक अप एनी टॉपिक एंड वी विल बी रिवाइजिंग दैट इन अ वेरी इंटरेस्टिंग वे कॉल्ड पोल्स एंड एवरीथिंग. सो वो सब बेनिफिट्स आपको यहाँ पे मिलेंगे. एक बार क्लास अटेंड करके देखो, यू विल योरसेल्फ सी द डिफरेंस, राइट? सो अब हम चलते हैं वापस अपने टॉपिक पे. हमारा जो टॉपिक है आज का वो है हाउ कैन वी डिलीट. ये हमने कल किया था, हमने इसके अंदर नया कॉलम ऐड किया था, नई रो ऐड की थी. आई होप यू ऑल रिमेंबर दैट, है ना? सो हमारे पास ये डेटा फ्रेम आ रहा था इसको ऐड वगैरह करने के बाद. अब ये आ रहा था, नाउ आई वांट टू डिलीट. देखो, अब डिलीट करने के लिए अगर आपको रो डिलीट करनी है तो सिर्फ एक ही तरीका है. रो डिलीट करने का एक तरीका है और वो है विद द हेल्प ऑफ ड्रॉप फंक्शन. आप लिखोगे डेटा डॉट ड्रॉप एंड देन यू गिव द रो इंडेक्स. हमारे रो इंडेक्स इंटीजर है तो मैं कोट्स में नहीं ले रही हूं, मैंने इसको ऐसे दे दिया. और उसके बाद मैंने डेटा को प्रिंट कराया, गॉट इट? सो यू आर प्रिंटिंग द डेटा आफ्टर कॉलिंग ड्रॉप. अब इसको रन किया, सो क्या डिलीट हुआ? नहीं, यहां पे 12005 है. दोबारा जब प्रिंट हुआ तो भी 12005 है, तो डिलीट क्यों नहीं हुआ? डिलीट क्यों नहीं हुआ?
क्योंकि वो सेम डेटा फ्रेम के अंदर डिलीशन नहीं करता है, वो डिलीट करने के बाद एक डेटा फ्रेम रिटर्न करता है, ठीक है। सो ये आप हमेशा ध्यान में रखोगे। सो हमें लिखना पड़ेगा डेटा इज इक्वल टू डेटा डॉट ड्रॉप। सो ये डिलीट करके मॉडिफाइड डेटा फ्रेम हमें देगा। सो एग्जिस्टिंग डेटा फ्रेम में मतलब इन प्लेस डिलीशन नहीं होती है, इन प्लेस डिलीशन इज नॉट डन, इट डिलीट्स एंड देन इट गिव्स यू द मॉडिफाइड डेटा फ्रेम। तो वो मॉडिफाइड डेटा फ्रेम में अब 12005 नहीं है। सो जब भी आपको रो डिलीट करनी हो आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है। इसका जो दूसरा एट्रीब्यूट है वो है एक्सेस। एक्सेस बाय डिफॉल्ट जीरो होता है, मैं अगर लिख भी दूं एक्सेस जीरो तो भी सेम रिजल्ट आएगा, कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अगर आपको कॉलम डिलीट करना है तो हम एक्सेस में वन देंगे। सो बिफोर वी मूव ऑन टू कॉलम, सबसे पहली चीज आपको ये समझनी है कि रो सिर्फ एक ही तरीके से डिलीट हो सकती है, वो है ड्रॉप। सो विद द हेल्प ऑफ ड्रॉप यू कैन डिलीट अ रो। आपको लिखना है डेटा डॉट ड्रॉप, राउंड ब्रैकेट के अंदर यू विल राइट नेम ऑफ द रो लेबल जिसको आपको डिलीट कराना है, ठीक है। अब एक्सेस इज इक्वल टू जीरो लिखना ऑप्शनल है, पर केस स्टडी वाले क्वेश्चंस में कई बार आ जाता है, तीन चार ऑप्शन दी होती है, पूछते हैं बताओ किससे डिलीट होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि ऐसे भी लिखो तो भी सेम चीज है, अगर एक्सेस इज इक्वल टू जीरो नहीं भी लिखो तो भी सेम चीज है। सो अब बात करते हैं हाउ टू डिलीट अ कॉलम। अगर आपको कॉलम डिलीट करना है तो आपको कॉलम की हेडिंग देनी पड़ेगी, ठीक है। सो यहाँ पर आप कॉलम की हेडिंग दोगे जो आप डिलीट करना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल यू वॉन्ट टू डिलीट क्वालिफाई। अब मैंने सोचा कि ऐसा लिखने से कॉलम डिलीट हो जाएगा, बट नहीं होगा। क्यों क्यों नहीं होगा? एरर आ गया रादर। क्या एरर आया? की एरर, नॉट फाउंड इन एक्सेस। मतलब उसको यहाँ एक्सेस में क्वालिफाई नाम का रो लेबल मिला ही नहीं, क्योंकि ड्रॉप क्या करता है? बाय डिफॉल्ट रो को डिलीट करता है। सो बाय डिफॉल्ट इट ट्राइज टू डिलीट अ रो, पर रो तो हमारे पास है ही नहीं यहाँ पे। सो रो है ही नहीं क्वालिफाई नाम की, इसलिए एरर आ गया। तो यहां पर मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे लिखना पड़ेगा एक्सेस इज इक्वल टू वन। सो अगर मैंने यहाँ एक्सेस इज इक्वल टू वन लिखा और उसके बाद मैंने इसको एग्जीक्यूट किया तो क्या होगा? सो आप यहाँ पे देख सकते हो क्वालिफाई कॉलम गया। सो क्वालिफाई स्कोर क्वालिफाई कैटेगरी था, लेकिन यहाँ पे स्कोर के बाद सीधा कैटेगरी आ गया, क्वालिफाई इज नॉट देयर, इट्स डिलीटेड। सो जब भी आपको कॉलम डिलीट कराना है ड्रॉप से यू हैव टू मेंशन एक्सेस इज इक्वल टू वन, अदरवाइज हम डिलीट नहीं करा सकते, ठीक है। सो ड्रॉप के थ्रू डिलीट कराना है तो ये हो गया। दूसरा तरीका डिलीट कराने का क्या होता है? पॉप। सो देयर इज अ मेथड कॉल्ड पॉप। आप लिखोगे डेटा डॉट पॉप और यहां पर फिर आप अपने कॉलम का नाम दे सकते हो। सो आपने यहां लिखा डेटा डॉट पॉप क्वालिफाई एंड यू एग्जीक्यूट इट अगेन। सो नाउ व्हेन यू एग्जीक्यूट आप फिर से देख सकते हो कि स्कोर और कैटेगरी के बीच में क्वालिफाई नहीं है। सो क्वालिफाई इज नॉट देयर। अब ये क्वालिफाई भी कुछ रिटर्न करता है, ठीक है। ये कुछ जैसे ड्रॉप रिटर्न करता है, ड्रॉप क्या रिटर्न करता है? आफ्टर डिलीशन बचा हुआ डेटा फ्रेम है ना। सो उस कॉलम को हटा देता है, जो डेटा फ्रेम बचता है उसको रिटर्न करता है। लेकिन पॉप तो इन प्लेस डिलीशन कर रहा है, ये तो इन प्लेस मतलब करंट डेटा फ्रेम में चेंजेस हो रहे हैं, बट फिर भी ये कुछ डिलीट करता है। इफ यू वॉन्ट टू सी कि वो क्या डिलीट करता है, तो मैंने उसको डीएफ में लेके अभी आपको दिखाया वो क्या डिलीट करता है। जो वो डिलीट करेगा उस कॉलम को देता है। सो उसने क्या प्रोवाइड किया मुझे? क्वालिफाई कॉलम, ठीक है। सो ये रिटर्न करता है द कॉलम विच इट डिलीट्स। सो पॉप रिटर्न्स द डिलीटेड कॉलम, ठीक है। ये याद रखना है कि पॉप फंक्शन क्या रिटर्न करता है? जो कॉलम डिलीट हुआ है वो, जबकि ड्रॉप क्या रिटर्न करता है? डिलीट होने के बाद जो डेटा फ्रेम बच गया वो, ठीक है। सो यहां पर हमें ये इक्वल टू लिखने की जरूरत ही नहीं है, हम सिर्फ इतना लिख सकते हैं तो हमारे पास डेटा फ्रेम के अंदर ही चेंजेस हुए हैं एंड आई कैन प्रिंट द मॉडिफाइड डेटा फ्रेम आफ्टर दैट, सो देयर इज नो इशू, राइट। सो ये तो हो गई एक दूसरी चीज। सो ये दूसरा तरीका हो गया डिलीट करने का। एक और तरीका है कॉलम को डिलीट करने का और वो है डेल। सो आप यहां पर लिख सकते हो डेल डेटा फ्रेम का नाम और यहां पर कॉलम का नाम। सो इफ आई राइट लाइक दिस, सो ये भी मेरे कॉलम को डिलीट कर देगा। सो आप देख रहे हो क्वालिफाई इज गॉन। सो दिस इज ऑल्सो मेकिंग इन प्लेस डिलीशन, वहीं से डिलीट हो जाएगा और ये कुछ भी रिटर्न नहीं करता, इट डज नॉट रिटर्न, क्योंकि डिलीट एक फंक्शन नहीं है, डिलीट एक कीवर्ड है, ठीक है। सो आप इसकी हेल्प से भी कॉलम डिलीट कर सकते हो। मदाज देर आर थ्री वेज ऑफ डिलीटिंग अ कॉलम। एक डेटा डॉट ड्रॉप एक्सेस इज इक्वल टू वन से आप कॉलम डिलीट कर सकते हो, आप पॉप की हेल्प से कॉलम डिलीट कर सकते हो और आप डेल कमांड की हेल्प से कॉलम को डिलीट कर सकते हो। सो तीन तरीके हैं कॉलम को डिलीट करने के
और रो को डिलीट करने का सिर्फ एक तरीका है, वो है डेटा डॉट ड्रॉप. सो यू हैव टू रिमेंबर प्रॉपरली कि क्या मेथड्स हैं जिसकी हेल्प से हम एक कॉलम को या एक रो को डिलीट कर सकते हैं. ठीक है, सो दैट वॉज द टॉपिक फॉर टुडे. इसको अच्छे से देखोगे, अपने कंप्यूटर पे चला के देखो, और इसके ऊपर बेस काफी सारे केस स्टडी क्वेश्चंस हैं. अगर आप अनअकैडमी पे मेरे MCQs अटेंड करते हो, जो कि लाइव क्लासेस होती हैं फ्री, जहां पर आप MCQs में एक्चुअली सीखते हो कि पेपर में क्वेश्चंस कैसे आएंगे. सो डू अटेंड दैट, एंड इसकी आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी वहीं से, आपको कहीं और से प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. वेरी सून आई विल बी लोडिंग दोज क्वेश्चंस ऑन यूट्यूब एज वेल, जब हमारा क्वेश्चन बैंक सीरीज शुरू होगा 1 फेब से. सो आई विल बी अपलोडिंग दैट ओवर हेयर ऑल्सो. बट इफ यू वॉन्ट टू इंटरेक्ट विद मी लाइव, सो ज्वाइन मी ऑन अनअकैडमी. द लिंक इज देयर इन द डिस्क्रिप्शन फॉर द टेलीग्राम ग्रुप, जहां पे आपको अपडेट्स मिलते रहते हैं. That is it. अगर कुछ समझ नहीं आया है, write in the comments. I'll try to explain again. And अगर समझ आया है, then also leave a nice comment. And do share the video. Subscribe the channel. And by the time I upload more, keep watching, keep learning.